सकते। अच्छा एक डेटा और चाहिए था जी भैया, हम अगर BHU में नहीं हुआ हमारा तो हम BHU के बाद और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना होगा तो DU के नॉर्थ में कहाँ से होगा? नहीं, हाँ, DU के नॉर्थ छोड़ के आए हैं हम लोग नॉर्थ हैं। लोग कहते हैं DU BSC के लिए बढ़िया नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, वो भी अच्छा है कैंपस के। DU में ये समस्या हुई है, जो पेमेंट किया था वो अभी तक नहीं लौटा है। वो अपने टाइम पे देते हैं, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उनने कैंसिल फीस 1000 रुपए ले ली है हम लोगों से, लेकिन वो आएगा वापस। आप भरोसा रखते हैं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। बड़ा यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, तो रुपए के लिए क्या ही करेंगे। आपने भी DU से एडमिशन कैंसिल कराया, BHU आ गए, तो ये जो एडमिशन कैंसिल करा करके आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या प्रोसेस था पैसा वापस लेने का? जब हम पैसा जमा कर दिया 1000 रुपीज एडमिशन कैंसिलेशन फीस के रूप में हम लिया है, और जो फीस हमने जमा किया था वो पूरी वापस करने को बोले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। और प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे कैंसिलेशन के लिए? ऑनलाइन जब एडमिशन मिल गया था, जैसे हमें कोई सीट मिल गई थी तो उसमें एडमिशन कैंसिलेशन के लिए एक आ रहा था, उसी में क्लिक कर रहे थे, तो 1000 रुपीज हमसे मांग रहे थे। तो उसके बाद और भैया ये भी एक चीज़ है कि वहाँ पे मतलब जब तक पैसे नहीं पेमेंट करते तब तक फिर सेकेंड राउंड के लिए उसमें एलिजिबल नहीं हो सकते, तो कोई ऑप्शन भी नहीं लड़के के पास फीस देने के लिए। बुक करना होगा, करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। और फिर फीस भी नहीं जल्दी वापस कर रहे हैं, अब CUET का पेपर फिर होने आ रहा है, अभी पहली बार की फीस ही नहीं वापस है। अच्छा आप लोग BHU में एडमिशन ले लिए हैं, अब तो कंटेंट की जरूरत उतना पड़ती नहीं होगी हमारे? नहीं नहीं देखते हैं, अभी भी देखते हैं। नहीं भैया देखते हैं, अभी हम रामा कृष्णा पे वीडियो नहीं बनाए हैं पूरा, क्योंकि हमारी आरक्षण पे उन लोग बहुत ज्यादा पूरा आरक्षण का